रही मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? आपका बहुत शुक्रिया हमारे वज़ाइफ को पसंद करने के लिए। आपका बहुत बहुत फिर से शुक्रिया कि आपने मेरे इस जो लाजवाब वजीफे हैं उनको पसंद किया। आज भी इसी तरह आपकी ही फरमाइश पर, एक मेरे भाई हैं उनकी फरमाइश पर ये वजीफा पेश किया जा रहा है, और तीन मेरी सिस्टर्स हैं जो कमर्स बॉक्स में, उन्होंने बहुत ज्यादा फरमाइश की है कि हमें इस तरह के लाजवाब वजीफे बताएं ताकि हम कोई भी गुनाह ना कर सकें और हम अपनी मुश्किलों को अच्छे तरीके से आसान कर सकें। सिर्फ 1 मिनट का आज मैं आपको वजीफा बताऊंगी। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना। कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपका प्यारा आपसे रूठ गया है, कोई आपसे नाराज हो गया है, आपकी वालदा नाराज हो गया, आपके अब्बू नाराज हो गए, आपकी बहन भाई कजिन्स कोई भी आपसे नाराज हो गया है, कोई आपका करीबी दोस्त नाराज हो गया है जिसको आप मनाना चाहते हो लेकिन वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, या तो वो शरपसंद हो गया है या किसी की बातों में आ गया, या आप वो ऐसा अक्सर दफा होता है कि आपका ये मसला होता है कि आपका कोई दोस्त होता है या कोई दोस्त अहबाब होता है या कोई रिश्तेदार होता है, वो कोई ना कोई शैतानी कर रहा होता है ना, शैतान शर फैलाता है ना, तो वो उसके शैतान के शर में आ जाता है, तो इसलिए वो आपसे बागी हो जाता है या आपसे नफरत करने लग जाता है। आज नफरत को खत्म करने के लिए मैं आपको ये वजीफा बताने लगी हूँ। आप जिससे भी आप मोहब्बत रखते हैं, चाहत रखते हैं, उसको मनाने के लिए आज मैं वजीफा आपको बताऊंगी। बहुत ज्यादा फरमाइश पर मेरे इस वजायफ को बहुत पसंद किया गया है। बहुत शुक्रिया दोबारा से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना आप पर लाजिम है ताकि आप अपने तमाम जो है दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करें, और सबको आप इस्लामी तरीका बताएं जो हम तरीका आपको बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप वजीफा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आप कभी भी आपको पशेमानगी नहीं होगी। अब आपने पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको एक जिक्र मैं बताने लगी हूं, वो करेंगे, ठीक है? अब जिक्र है या मुतीन, या मुतीनू, देखिए लफ्ज है या मतीनू, तो लेकिन पढ़ा जाएगा या मुतीनू, मीम पेश होगी, ठीक है? साथ तोए को मिला दें या मुतीनू पढ़ेंगे। कैसे भी कोई संगदिल हो गया हो, कितना भी आपका रिश्तेदार या कोई बहन भाई या कोई दोस्त अहबाब, जितना भी संगदिल हो गया हो, उसको कितना भी आप पर गुस्सा आ रहा हो, आपने सिर्फ उस, अगर तो आपको उसके चेहरा याद है ना, तो सिर्फ चेहरा आप अपने जहन में रखें। अगर आपको उसकी, आपके पास उसकी तस्वीर है या कोई पिक्स है, तो आप उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो भी सामने रख सकते हैं। दोनों चीजें आप इस्तेमाल, टाइम जो है सुबह फजर का होगा या फिर इशा का होगा, इशा की नमाज के बाद ये कर सकते हैं, और या फिर आप फजर के, आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, उठने के बाद भी कर सकते हैं। नीयत और एतमाद, एतकाद, सादिके दिल और जायज रखें, नीयत अपनी जायज रखें। इस अमर को पढ़ने से आपकी मुश्किल ऐसी आसान होगी कि कभी किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा कि ये इसका तरीका क्या है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है, जाए नमाज पे बैठ के पढ़े, ठीक है? तस्वीर सामने रखें, जहन में रखें, और पढ़ते पढ़ते उनके ऊपर दम करते हैं। दम, अब गैबी दम कैसे किया जाता है? गैबी दम होता है आंखों के दरमियान। अगर तस्वीर में उनकी आंखें वाजिया नजर आ रही है तो उनके दिमाग, जहां पर जिसे कहते हैं ना माथा, ठीक है ना, हेड, वहां पर आपने उधर दम करना है। फूंक आपकी वहीं पर ही बजनी चाहिए, ठीक है? अगर आप उसका चेहरा अपने जहन में बना लेते हैं तो आप तब भी जो है वो उनका जहन में रख के आपने दम करना है। आप ये किसी भी टाइम अमल कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर असर जो होता है वो इशा के बाद होगा, ठीक है? जब चांद की रोशनी होती है। कोशिश करें जब भी आप जो ये इस तरह के अमल करते हैं ना, किसी इसको नाराज बहन भाई को मनाने के लिए या किसी अपने दोस्त अहबाब को मनाने के लिए अगर आप करते हो, तो फिर आप ना इस्लामी महीने की पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक अमल किया करें। ये दिन बहुत मोतबर होते हैं, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आपने अमल करना है। या मुतीन को पढ़ना कितनी दफा है? सिर्फ 33 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, बस। ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं मेरे ख्याल लगता,
या मुतीनु या मुतीनु या मुतीनु, ठीक है। आप पढ़ें और उसके बाद आप दम कर ले, सिर्फ 7 दिन तक कर ले, 3 दिन में आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह नीयत अच्छी हुई आपकी, तो फिर इंशाल्लाह आपको 3 दिन के बाद फर्क वाजिया महसूस होने लग जाता है, आपको वाजिया पता लगेगा कि वाकई अमल में असर है। अब टाइम का हिसाब मैंने आपको बता दिया है, दिन का भी मैंने बता दिया है कि मोहब्बत या जैसे किसी को मनाने का, किसी मियां बीवी के रिश्ते में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो औरत कर सकती है, मर्द कर सकता है, कोई बहन भाई अपनी अपनी बीवी, बहन है तो अपने शोहर के लिए कर ले, भाई है तो अपनी बीवी के लिए कर ले, अपने दोस्त अहबाब के लिए कर ले, सबके लिए। मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी आपसे नाराज है तो आप उनके लिए ये अमल बआसानी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बस इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। आज की सबसे प्यारी बात भी करते चलते हैं, जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं, फरमाने हजरत अली, ठीक है। जिंदगी में, जिंदगी का असल मकसद जो है ना वो ये नहीं है कि आप के अंदर कितनी खुशी है, ये आप कितने खुश इखलाक है, ये आपकी जिंदगी कितनी लाजवाब है और दूसरों की नहीं है, बल्कि आप अब जब दूसरों को खुशी पे पहुंचाते हैं या दूसरों का भी एहसास करते हैं या दूसरों की भी मोहब्बत का एहसास रखते हैं, तो ये असल जिंदगी है। अपने आप को ही नहीं देखना चाहिए, इंसान को अपने सामने वाले को भी देखना चाहिए। हमेशा याद रखें, कभी भी आसमान की तरफ देखकर नहीं चले, क्योंकि तब ठोकर लगती है और आप गिर जाते हैं। हमेशा जमीन पर गौर करते हुए चले कि कहीं कोई मेरी वजह से कोई मर तो नहीं रहा, कोई कीड़ा, कोई हशरात, कोई मर तो नहीं रहा, मेरी वजह से कोई तकलीफ में तो नहीं। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, आप यकीन माने आधे मोमिन और वली बन जाएंगे। आप अपने आप को ना देखें, अल्लाह के जो नीचे मखलूक है उनको भी देखें। अल्लाह के अगर सामने देखते हैं तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीजें। अगर नीचे देखें तो हशरात है, ऊपर देखें तो आसमान है, वहां पर भी रब है। लेकिन रब की तरफ देखना, रब के आगे तो नजरें झुका कर देखना, जैसे नजरें झुका कर रहना, वो ज्यादा मोतबर है बजाय आंखें ऊपर करके आसमान पर देखना, ठीक है ना। तो यही तरीका है, अपने रब के सामने नजरें झुकाएं, नजरें झुकाएं तो जमीन में झुकाएं ताकि जमीन भी आपसे खुश हो। मरना तो है ना, उसी में ही जाना है, वो मट्टी है, मट्टी का इंसान है, तो मट्टी कि इंसान को कैसे गुरूर आ सकता है, कैसे तकब्बुर आ सकता है, क्योंकि वो तो है ही मट्टी, मट्टी की पैदाइश तो मट्टी में ही जाना है। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा, अगर बहन की कोई बात बुरी लगे तो माजरत, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में बात करें।